बीते शनिवार को दिल्ली के AICC मुख्यालय में एक मीटिंग आयोजित हुई थी। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी की हार पर मंथन किया गया। आज हम आपको AICC मुख्यालय में हुई मीटिंग में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, आगे पार्टी में क्या बदलाव हो सकते हैं और आने वाले समय में अशोक गहलोत की क्या भूमिका हो सकती है, इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बता दें, पार्टी अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी, लेकिन उससे पहले पार्टी को नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक जैसे पदों पर नियुक्तियां करनी होगी। और सूत्रों के मुताबिक संकेत मिले हैं कि प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भी बदले जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्टी किसे नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। नेता प्रतिपक्ष के लिए 6 नाम सामने आए हैं। हरीश चौधरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के करीबी रहे हैं और उन्हें बतौर सांसद और विधायक केंद्र व राज्य दोनों में काम करने का अनुभव है और जाट समुदाय में इनका खासा प्रभाव देखने को मिलता है। इस दौरान इन्हें भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। नरेंद्र बुडानिया शेखावटी और जाट समुदाय से आते हैं और सांसद विधायक जैसे कई वरिष्ठ पदों पर पहले पदभार संभाल चुके हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से गिने जाते हैं। उनके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष है और अपनी सीट लक्ष्मणगढ़ से लगातार 4 बार जीत हासिल कर चुके हैं। जाट समुदाय में इनका भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। इस दौरान इन्हें भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राजेंद्र पारिक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और उद्योग और आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं। राजेंद्र पारिक सीकर से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं, ऐसे में इन्हें भी नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालाई जा सकती है। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने अपनी सीट बागीदौरा से लगातार 4 बार जीत हासिल की है और आदिवासी समुदाय से आते हैं। भाजपा ने जहां मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता को CM बनाया है, ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के पद पर मालविया को उतार सकती है। अब बात करते हैं उप नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के पद के बारे में। पार्टी की तरफ से इन पदों पर अशोक चांदना, हरीश मीणा, जुबेर खान, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, अनिल शर्मा, शिखामिल बराला, विद्याधर चौधरी, मनीष यादव का नाम हो सकता है। वैसे तो विधानसभा में आमतौर पर विपक्ष की तरफ से उपनेता या मुख्य सचेतक के पद पर कोई संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये पद कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के बाद बात करते हैं प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के बारे में। सूत्रों के मुताबिक पार्टी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के पदों पर भी बदलाव कर सकती है। प्रदेशाध्यक्ष के पद और नेता प्रतिपक्ष दोनों पदों पर अलग अलग समुदाय से पार्टी किसी को नियुक्त कर सकती है, जिससे पार्टी को दो अलग अलग समुदाय की सहानुभूति लोकसभा चुनावों सहित आगे आने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनावों में मिल सके। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की अदावत से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले ऐसे सभी कारणों को दूर करने की कोशिश करेगी। ऐसे में देखने लायक होगा क्या पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत और पायलट की दूरियां दूर कर पाती है या नहीं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। मैं सिद्धिका मनोहर आपके साथ, शुक्रिया।